हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वैशाली और स्वागत है आप सभी का स्टीम एजुकल हिंदी पे। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उससे आपको मेरे चैनल की हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं रोज़ पिक अ कार्ड रीडिंग्स और डेली टैरो कार्ड रीडिंग्स जो है वो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है, पिक अ कार्ड रीडिंग है, उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन जो है वो आपसे लव करते हैं या नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे चार पायल हैं, आप इनमें से कोई भी एक या एक से ज़्यादा जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पास से ये सारे जो पायल्स हैं वो दिखा देती हूँ। तो ये है आपका पायल नंबर 1, पायल नंबर 2, पायल नंबर 3 और पायल नंबर 4। आप इनमें से कोई भी एक पायल जो है वो चूज़ कर सकते हैं, और अगर वो मैच नहीं होता हो तो कोई और पायल चूज़ कर सकते हैं। और इन सबका टाइम जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आपको पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए आप शुरू करते हैं। जिन भी लोगों ने पहला पायल चूज़ किया है या क्लियर क्वार्ट्ज स्टोन चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे लव करते हैं या नहीं। और ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें मैच करेंगी और कुछ चीज़ें बिल्कुल भी मैच नहीं करेंगी। तो अगर बिल्कुल नहीं करती हैं तो आप कोई और पायल चूज़ कर सकते हैं, या फिर ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं या किसी और पर्सन की रीडिंग देख सकते हैं। सो सबसे पहले जो हमारे पास कार्ड है, वाओ, हमारे पास है 2 ऑफ कप्स। ये हम यहाँ रख देते हैं। देन वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है हमारा। उसके बाद हमारे पास है 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये भी रिवर्स में है। 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में। 5 ऑफ सॉर्ड्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स सन कार्ड आया है हमारे पास। हाई प्रीस्टेस और किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं सारे के सारे। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्ड्स हैं, सबसे पहले हम नंबर 1 कार्ड से शुरू करें जो कि हमारा 2 ऑफ कप्स है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये जो पर्सन है ये आपको बहुत लाइक करते हैं। सॉरी गाइस, कैमरे की जो बैटरी थी वो लो हो गई थी, तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। तो जो 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे वो बात करता है लव की। हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपको बहुत लाइक करते हैं और बहुत लव करते हैं, क्योंकि इस कनेक्शन में बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप में से काफ़ी लोग जो है वो मैरिड भी हैं इस पर्सन के साथ, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, या आप बहुत टाइम से एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं। उसके बाद यहाँ पे कार्ड आया है सन कार्ड। वाओ, सन कार्ड कहीं ना कहीं बात करता है कि ये जो पर्सन है उनको आपकी एनर्जी बहुत पसंद है। ये जो पर्सन है उनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, उनको लगता है कि आप इनकी लाइफ में एक सन की तरह आए हैं। यू आर मेकिंग देयर लाइफ ब्राइट। देन वी हैव द कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स। अगेन, ये वाला जो कार्ड है कहीं ना कहीं ये बात करता है कि ये जो पर्सन है आपको लेके बहुत श्योर है, इनको पता है कि इनको आप ही चाहिए हो, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं जो मुझे लगती हैं जो कनेक्शन में चल रही हैं, हो सकता है किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, या फिर हो सकता है कि आपके जो पर्सन है या तो वो आपसे कुछ छुपाते हो या कुछ छुपाया हो जिस वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ हो। आप लोग या तो आप में से काफ़ी लोग जो है मुझे लगता है अभी कम्युनिकेशन में नहीं है, और जो नए इस रिलेशनशिप में आए हैं जिनका नया नया बना है, चीज़ें बहुत स्लो चल रही होंगी इस कनेक्शन में। हो सकता है इस पर्सन ने आपको अपने पास्ट के बारे में सब कुछ ना बताया हो या आपने नहीं बताया हो, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये पर्सन का करियर में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो जिस पे वो फोकस करना चाह रहे हो, ध्यान देना चाह रहे हो, और ईगो जो है कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में आ रहा है, कुछ ना कुछ रोल जो है वो प्ले कर रहा है जो मुझे यहाँ पे बहुत विजिबल तरीके से दिखाई दे रहा है। लेकिन बाकी कार्ड्स की तरह मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है जो कि बात करता है कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। ये जो पर्सन है इनको लगता है कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप बहुत ही इंट्यूटिव हैं। कहीं ना कहीं ये इस कनेक्शन के बारे में अपनी इंट्यूशन से सोच रहे हैं, इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं ये पर्सन। उसके अलावा जो मुझे स्ट्रॉन्ग दिखता है, हो सकता है जो साइन यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पे मुझे लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, यहाँ पे मुझे स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, एरीज
और उसके अलावा मुझे केप्रिकॉन और वर्गो और टॉरस ऑलमोस्ट सारे ही साइन हैं, बट मुझे यहाँ पे टॉरस वर्गो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, स्कॉर्पियो पाइसिस लियो और एरीज ये सारे साइन मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। उसके अलावा जो मुझे दिखता है, हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपकी वाइफ भी हो सकती है, आप लोग अभी सेपरेशन में हो उस पर्सन के साथ, बहुत ज़्यादा साथ में ना हो, लेकिन अगर आप लोग कन्फ्यूज़ हैं या डाउट में हैं या कोई डर है इस पर्सन को लेके, तो ये पर्सन जो है आपसे डेफिनेटली बहुत लव करते हैं। सो अगर ये रीडिंग आप लोगों से मैच करती है तो मेरे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं क्या क्या फ्यूचर रहेगा आपका इस पर्सन के साथ, तो ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप मैसेज करा के पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है या सिट्रीन स्टोन चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि क्या आपके पर्सन जो है वो आपसे लव करते हैं या नहीं। और ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें मैच करेंगे और कुछ चीज़ें बिल्कुल भी मैच नहीं करेंगे, तो बिल्कुल नहीं करती हैं तो आपको ज़बरदस्ती इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई और स्टोन या पाइल चूज़ कर सकते हैं। ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हैं या फिर आप किसी और पर्सन की रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कार्ड है यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आया है, उसके बाद हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, आई होप आपको सारे कार्ड दिख रहे हों। फिर यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है, लवर्स का कार्ड आया है, ओके दो मेजर अकानास, वाओ एम्परर, तीन मेजर अकानास, टेन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स, एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, ओके फोर ऑफ वॉन्ड्स, और लास्ट में हमारे पास एक और कार्ड है, वो है स्टार कार्ड। बहुत सारे मेजर अर्काना कार्ड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे दिख रहा है काफ़ी लोगों के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आई फील। आप में से काफ़ी लोग जो है उनकी नई शादी हो सकती है इस पर्सन से, नई शादी हुई है इस पर्सन से, अरेंज मैरिज भी हो सकती है, काफ़ी स्पेसिफिक भी लगता है मुझे ये। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है हो सकता है काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर के हों, बॉसी नेचर के हों, ये पर्सन हमेशा थोड़े से ज़िद्दी हो सकते हैं, अपनी चलाते हों। डेविल कार्ड आया है, केप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, मकर राशि हो गई है, मेष राशि हो गई, या फिर लियो सिंह राशि हो सकती है यहाँ पे इस पर्सन की, पाइसिस भी हो सकते हैं मीन राशि के। उसके अलावा जो मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली दिखता है कि क्या ये पर्सन आपके लिए फील करते हैं, मुझे यहाँ पे फिजिकल और सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिखती है इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जितने भी लव के जो कार्ड हैं, जो कप्स के कार्ड हैं, जो इमोशनल कार्ड होते हैं हमारे, इमोशंस के कार्ड जो माने जाते हैं, और अगर मैं इंट्यूटिवली भी देखूँ तो कहीं ना कहीं ये जो कार्ड्स हैं वो दोनों रिवर्स में हैं। अगर आप लोग रिलेशनशिप में भी हैं, हो सकता है मैरिड है, लेकिन अभी आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लव कनेक्शन नहीं है, प्लीज़ अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू बताइएगा, बिकॉज बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो है मुझे यहाँ से आ रही है। और अगर ये आपकी लाइफ में एक नया कनेक्शन भी आया है तो हो सकता है फिजिकल कनेक्शन ज़्यादा हो, अट्रैक्शन ज़्यादा हो, आप दोनों एक दूसरे की हैबिट हो, आप दोनों को एक दूसरे की काफ़ी ज़्यादा हैबिट हो, क्योंकि वो एक तरीके से दिखाता है कि आप दोनों को डिपेंडेंट हो एक दूसरे पर। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे चेन से बंधे हुए हैं, तो डेविल कार्ड है यहाँ पे और लवर्स कार्ड है, दोनों ही मिलके यही बताते हैं कि एक फिजिकल कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग, कार्मिक कनेक्शन भी दिखता है मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों का, और ये आपकी लाइफ में आपको कुछ बहुत बड़ा एक लेसन देने आए हैं ये पर्सन, मुझे कि एडिशनल मैसेज मिल रहा है। आई नो ये रीडिंग से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं है, बट मुझे एक एडिशनल मैसेज दिख रहा है, मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप लोग इस पर्सन के साथ मैरिड भी हैं तो अभी आपका जो टाइम चल रहा है, एक ऐसा समय चल रहा है जिसमें आप जो है कहीं ना कहीं एक कार्मिक लेसन आपको लाइफ में मिल रहा है। हो सकता है कि आप इस पर्सन को छोड़ना भी चाह रहे हैं पर छोड़ नहीं पा रहे हैं, इस कनेक्शन से दूर नहीं जा पा रहे हैं, लव नहीं है इस कनेक्शन में, लेकिन तो भी एक दूसरे को इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है कि छोड़ नहीं पा रहे हैं, इन्फैक्चुएशन हो सकता है बहुत ज़्यादा। स्टार कार्ड है अगेन, ये पर्सन आपकी वो हीलिंग में बहुत हेल्प करेंगे। मैं आपके लिए एक दो कार्ड और निकाल लेती हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि लव से ज़्यादा लस्ट है यहाँ पे। प्लीज़ सुन, प्लीज़ हेल्प मी टू हेल्प मी। जिन भी लोगों ने सेकंड पाइल चूज़ किया है, क्या इनके पर्सन इनसे लव करते हैं। टावर कार्ड इन रिवर्स, हो सकता है कनेक्शन बहुत जल्दी एंड होने वाला है आप दोनों के बीच में, चीज़ें जो है वो एंड होने वाली हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स अगेन, हो सकता है आपकी एक्स हो,
ओके सो ये जो सारे कार्ड्स हैं वो मुझे यही बताते हैं ओवरऑल कि ये जो पर्सन है वो आपसे लव नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, या आप इस पर्सन को छोड़ नहीं पा रहे हैं, आप इनसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन इस कनेक्शन में लव जो है वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप लोग बहुत टाइम से इस कनेक्शन में फंसे हुए हैं, इससे बाहर नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि आप बाहर निकलें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या फ्यूचर होगा इस कनेक्शन का, तो आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो गिवन है। और अगर ये आपसे मैच करती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। थैंक यू सो मच। सो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, चलिए देखते हैं जिन भी लोगों ने एमेथिस्ट चूज़ किया है कि क्या आपके पर्सन जो है वो आपसे लव करते हैं नहीं। और ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें मैच करेंगी और कुछ चीज़ें मैच नहीं करेंगी, तो अगर बिल्कुल नहीं करती है तो आप किसी और पर्सन की रीडिंग देख सकते हैं, या मेरा ऊपर नंबर गिवन है, आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं या कोई और पाइल जो है वो चूज़ कर सकते हैं। पहला कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एक्वेरियस या जेमिनाई हो सकते हैं, पर्सन लिब्रा भी हो सकते हैं, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, द हायरोफेंट एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके तो आप में से काफ़ी लोगों का मुझे दिखता है कि ये जो पर्सन है हो सकता है किसी चीज़ की वजह से मजबूर हो सकता है पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, हो सकता है इनके बच्चे भी हो, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में आपको लेके ऐसा कुछ चल रहा है जिससे बहुत चिंतित है, परेशान है, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, या हो सकता है कि ये जो पर्सन है अपने पास्ट की किसी एनर्जी से बहुत परेशान है, कनेक्शन से, रिलेशनशिप से, जिससे वो मूव करना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन उसके अलावा जो यहाँ पे मुझे दिखता है स्ट्रॉन्ग वो ये है कि ये जो पर्सन है हो सकता है पास्ट में आपके रिलेशनशिप में इनके साथ रहे हों, इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो गया हो, और अब ये पर्सन जो है आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप या कनेक्शन जो है वो देना चाहते हैं। बिकॉज वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सो कहीं ना कहीं ये जो दोनों कार्ड हैं वो बात करते हैं कि ये पर्सन आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, दैट इज़ स्टेबल, स्टेबल चीज़ जो है वो देना चाहते हैं, और ये इस चीज़ को लेके बहुत श्योर भी हैं, बहुत श्योर हैं इस चीज़ को लेके, आपको लेके। देन वी हैव द कार्ड हायरोफेंट, हायरोफेंट का कार्ड ये बात करता है कि हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ये पर्सन शादी का ऑफर देना चाहते हों या शादी करना चाहते हों आपके साथ। अगर ये पर्सन नए आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन बहुत सीरियस है आपको लेके, जो मुझे इन कार्ड्स में दिखता है बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थ एनर्जी है यहाँ पे। फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इस पर्सन को लगता है कि बहुत चैलेंजेस है इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में, लेकिन ये फिर भी इस चीज़ पे वर्क करना चाहते हैं, फिर भी चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। पर्सन आपसे बहुत लव करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग डीप लव है जो है मुझे यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे काफ़ी लोगों का मुझे लगता है कि बहुत सालों से आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, और शायद आपकी तरफ से कोई दिक्कतें हैं, लेकिन ये पर्सन जो आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। बहुत समझदार पर्सन है, बिजनेस या वर्क में अच्छे हो सकते हैं, करियर में अच्छे हो सकते हैं पर्सन, अपने फाइनेंसेस इनके अच्छे हो सकते हैं इस पर्सन के। उसके अलावा मुझे लव का यही दिखता है कि यस, ये पर्सन जो है आपको बहुत स्ट्रांगली लव करते हैं। मैं एक और कार्ड निकाल देती हूँ, प्लीज़ यूनिवर्स, क्या ये पर्सन इसे लव करते हैं या नहीं। कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में चीज़ें जो हैं वो कुछ बैलेंस नहीं है बहुत ज़्यादा, जो मुझे लगती है। प्लीज़ सुनिए, ये पर्सन से लव करते हैं नहीं। सो हमारे पास यहाँ पे जो कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ कप्स। अगेन क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे कहीं ना कहीं बात करते हैं कि डेफिनेटली ये जो पर्सन है बहुत इमोशनल फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, बहुत इमोशनल कनेक्शन जो है वो आपके साथ फील करते हैं। हो सकता है आपके बहुत अच्छे पुराने दोस्त भी हों जो आपके लिए बहुत ज़्यादा केयर करते हों, बहुत ज़्यादा लव फील करते हों, बहुत डीप जो है लव जो है मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। एंड आई एम रियली सॉरी कि कैमरा का जो बैटरी था वो ऑफ हो गया था, तो मुझे ये दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा। सो अगर ये रीडिंग जो है वो आप लोगों से मैच करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या फ्यूचर रहेगा इस कनेक्शन का, तो ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। और मैं बता दूँ पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती हैं, पेड रीडिंग्स होती हैं ये। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।
सो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 4 चूज़ किया है, चलिए आप लोगों की रीडिंग करते हैं। जिन्होंने ये वाला स्टोन चूज़ किया है कि क्या आपके पर्सन आपसे लव करते हैं नहीं, और एक ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें मैच करेंगी और कुछ चीज़ें मैच नहीं करेंगी। तो अगर बिल्कुल नहीं करती हैं तो आप कोई और पाइल चूज़ कर सकते हैं, किसी और पर्सनल से रीडिंग करा सकते हैं, या ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप पेड पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्ड हमारे पास है यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में है, बहुत स्ट्रॉन्ग एयर एनर्जी है यहाँ पे, एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स लियो एरीज एंड सेजिटेरियस, कर्मा का कार्ड आया है यहाँ पे। एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है। उसके बाद हमारे पास है सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, और उसके बाद हमारे पास कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स। ओके, हो सकता है काफ़ी में से ये जो है इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकते हैं, या तो आप थर्ड पार्टी हो या कोई और थर्ड पार्टी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है इस चीज़ के अंदर। चीज़ें जो हैं आपके अभी फेवर में नहीं चल रही हैं, हो सकता है पर्सन जो है आपसे बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हों, या आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हों इस कनेक्शन को, रिलेशनशिप को। एस ऑफ वॉन्ड रिवर्स में है, जो कि मुझे बताता है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग्स नहीं चाह रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके। बहुत ज़्यादा पैशनेट नहीं है ये पर्सन आपको लेके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है अगर आप देखें तो ये रिवर्स में आया है। रिवर्स में जब ये कार्ड आता है तो ये बात करता है कि चीज़ें बहुत धीरे हैं इस कनेक्शन में। ये पर्सन आपको कुछ स्टेबल ऑफर नहीं करना चाहते, देना नहीं चाहते, बहुत स्लो है उन सब चीज़ों को लेके। ये सॉर्ड्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जो कि बात करती है कि ये पर्सन, इस पर्सन जो है जिसके भी बारे में आप जानना चाहते हैं, वो आपको लेके बहुत ही लॉजिकली प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, बहुत दिमाग से सोच रहे हैं, दिल से नहीं सोच रहे हैं। हो सकता है कि ये जो पर्सन है इस कनेक्शन से मूव भी कर गए हों, निकल गए हों इस कनेक्शन से, आप दोनों शायद अब बात भी नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे, और ये पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में आते जाते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि बात करती हैं कि आना जाना लगा रहता है, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आपको लेके श्योर नहीं है, सीरियस नहीं है। कर्मा का कार्ड आया है, कर्मा का कार्ड जो मुझे है कहीं ना कहीं बताता है कि स्ट्रांगली आप में से काफ़ी लोगों का ये कार्मिक रिलेशनशिप है, कार्मिक कनेक्शन है। जो लोग मैरिड हैं मुझे लगता है आपकी कोई कार्मिक साइकिल जो है इस पर्सन के साथ चल रही है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है वो भी रिवर्स में आया है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास सेवन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है अगेन। हो सकता है या तो ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई बात छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे, या आपकी तरफ से ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन स्ट्रांगली मुझे इस पर्सन की तरफ से ही दिखता है कि ऐसा कुछ है इस पर्सन की तरफ से। मुझे लगता है कि बहुत एंजाइटी की फीलिंग आ रही है, आप लोग जो हो बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो इस पर्सन का, या जानना चाहते हो कि ये क्या फ़ील करते हैं आपके बारे में। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ टेल मी कि ये पर्सन जो है इनसे लव करते हैं नहीं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है, सॉरी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो रिवर्स में आई है। अगेन कुछ स्टेबल ऑफर नहीं करना चाहते हैं पर्सन आपको, स्टेबिलिटी नहीं देना चाहते हैं। हैंग्ड मैन इन रिवर्स, कंफ्यूज हैं लेकिन डिसीजन लेना चाहते हैं, बहुत जल्द भी लेंगे ये डिसीजन। वैसे तो ये अभी बहुत दिमागी तौर से सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है वो लव नहीं करते आपसे, क्योंकि यहाँ पे एक भी ऐसा कार्ड नहीं है जो मुझे इस बारे में बात करे कि ये पर्सन लव करते हैं। नाइन ऑफ कप्स जो है वो रिवर्स में आया है। ये कार्ड जो है कहीं ना कहीं ये बात करता है कि ये पर्सन इस कनेक्शन में आपके साथ बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील नहीं करते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा दिल से खुश नहीं है इस कनेक्शन को लेके, आपको लेके। तो मुझे जो यहाँ पे स्ट्रांगली दिखता है वो यही दिखता है कि ये पर्सन जो है वो आपसे लव नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं वो इस कनेक्शन से दूर भागना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं। और अगर आप लोगों की शादी है हुई है, आप लोग मैरिड हो, तो मुझे हो सकता है लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो यहाँ पे हो सकती है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि क्या फ्यूचर होगा इस कनेक्शन का और क्या फील करते हैं पर्सन आपके लिए, तो आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है। पेड रीडिंग होती हैं ये, फ्री नहीं होती हैं, तो आप मुझे मैसेज करके बुकिंग करा सकते हैं। और अगर ये रीडिंग आपसे मैच करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।